अस्सलामुअलैकुम, टीवी इंटरेक्ट में शामिल आपका इन दोस्त चैनल। मंकी पॉक्स दर्जन से ज्यादा ममालिक में फैलने के बाद अब पाकिस्तान में भी कुछ मरीजों में पाया गया है। मंकी पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या अलामत हैं, इसके क्या इलाज और एहतियात हैं, ये सारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंकी पॉक्स नामी वायरस से फैलता है। ये वायरस चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की एक शाख है। ये वायरस मुतासर शख्स से करीबी ताल्लुक रखने से फैल सकता है। टूटी फूटी कटी हुई जल्द पे इस वायरस को लगने से भी इंसान इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सांस, मुंह, नाक और आंखों के जरिए भी ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। न सिर्फ इंसान से बल्कि इन्फेक्टेड जानवरों से भी ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। ये वायरस आलूदा कपड़े, तौलिया, बिस्तर, तकिया इन सब के इस्तेमाल से भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स के इब्तदाई अलामात में है सर का दर्द, जिस्म का दर्द, बुखार होना, जिस्म में सूजन होना, किसी भी चीज़ में दिल न लगना। इब्तदाई अलामात के बाद जिस्म में दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जो सर से लेके पैर और तलवे तक में फैल जाते हैं। इन दानों में शदीद तकलीफ और खुजली भी हो सकती है। ये दाने बाद में सूख जाते हैं मगर इसका दाग रह सकता है। ये इन्फेक्शन इंसानी जिस्म में 14 से 21 दिन तक रहकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। वैसे ये वायरस आम तौर पर जानलेवा नहीं है मगर कुछ अफ्रीकी ममालिक में अमवात भी रिपोर्ट की गई हैं इस केस की। वैसे मंकी पॉक्स के सिर्फ एक या दो वैक्सीन मौजूद हैं, वो भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में। आम तौर पे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से बचाव के वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 80-85% तक इसके बचाव में मददगार साबित हो सकता है। बाकी इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। वही एहतियात, मास्क पहने, हाथ और मुँह अच्छी तरह धोएं, आलूदा और इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। इन सब एहतियाती तदाबीर से हम मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।